अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं अल्लाह के हुक्म से। तो चलिए आज हम बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो बहुत जल्दी और बहुत मस्त बनती है। चलिए हम सबसे पहले इसमें एक नींबू डाल के लेंगे, और ये चिकन, ये 1 किलो है ये चिकन लॉलीपॉप जो मैंने बनवा के ली हूँ। चलिए इसमें हम डालेंगे भी एक बड़ा साइज का नींबू। हाफ टी स्पून हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून हम रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के लेंगे, 1/2 टीस्पून हम पेपरिका पाउडर डालेंगे, इससे चिकन में कलर अच्छा आएगा इंशाल्लाह, 1 टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के लेंगे। चलिए अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके लेंगे। इसे हमें मिक्स करके, हो सके तो ओवरनाइट रखिए और अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं तो कम से कम 1 से 2 घंटा इसे रख दीजिए। जितना ज़्यादा देर रहेगा उतना अच्छा इंशाल्लाह से इसमें टेस्ट आएगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसे अभी रख देना है, ठीक है? चलिए फिर मैं आपको आगे, अभी हम आगे की तैयारी करते हैं। हमने एक बाउल लिया है, उसमें हम डालेंगे 1/2 कप मैदे का आटा, 1/2 कप डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर का आटा, ठीक है? अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिरी, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1/4 टीस्पून हम चिकन का कलर रेड कलर डालेंगे, 1 टीस्पून डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून डालेंगे हम रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए हम पानी की मदद से, मैंने 1 कप पानी ले लिया है, उसकी मदद से हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक बैटर तैयार करके लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है। हमें इसका बैटर एकदम पतला नहीं करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है, बस इतना ही गाढ़ा रखना है हमें कि इसमें हमारी लॉलीपॉप डिप हो सके, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम अपनी चिकन को इसमें फ्राई करेंगे। ये फिर अभी हम इसमें डिप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरीके से हम अपनी सब लॉलीपॉप को तल के लेंगे। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन कलर दिख रहा है। और ये ऊपर से भी इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी होगा।
चलिए फिर हम इसे फ्राई करके लेते हैं अच्छे तरीके से। चलिए फिर देखते हैं क्या हाल है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कलर आया है। मैं एक साथ खूब सारी नहीं डालना है कि सब चिपक जाएगी, इसलिए थोड़ा कम कम ही डालें। इसे हम पहले एक बार फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर हमें सेम रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए तो हमें फिर उसे वापस से डीप फ्राई करना है। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कलर आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए चलिए फिर इसे अच्छे तरीके से पकने देंगे। माशाल्लाह से हमारी चिकन लॉलीपॉप बनके रेडी है। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन दिख रही है। अभी हम इसे रेस्टोरेंट में जैसे बाहर से एकदम क्रिस्पी रहती है उस तरीके की करने के लिए हमें इसे वापस से एक बार डीप फ्राई करने पड़ेगी, तो ये बाहर से इसका कोट एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। नहीं तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप ऐसा भी खाना चाहते तो खाइए, अगर सेम रेस्टोरेंट जैसा खाना है तो आपको वापस इसे डीप फ्राई करना पड़ेगा। चलिए फिर हम लॉलीपॉप इसमें वापस तलते हैं। हमारी चिकन लॉलीपॉप बाहर से इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो जाएगी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सेम रेस्टोरेंट जैसी। हमें इसे अच्छी सी क्रिस्पी करके ले गए। माशाल्लाह इससे क्रिस्पी ही थी बट लेकिन एकदम हम बना ही रहे रेस्टोरेंट स्टाइल तो क्रिस्पीनेस वैसी होनी चाहिए। चलिए फिर हम हमारे चिकन लॉलीपॉप कढ़ाई से निकालते हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी बेहतरीन दिख रही है। अच्छे तरीके से इसका तेल निकालेंगे हम। तो चलिए ये शेज़वान चटनी जो मैंने बनाई थी ये भी आपको मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस मिल जाएगी। तो हम लॉलीपॉप को शेज़वान चटनी के साथ सर्व करेंगे जो बहुत बेहतरीन लगेगी माशाल्लाह से। तो देखिए फिर कितनी बेहतरीन दिख रही है हमारी चिकन लॉलीपॉप। आप लोग भी ट्राई करिए, इंशाल्लाह से बहुत बेहतरीन बनी है। और दुआओं में याद रखिए, प्लीज़ अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें, मेरे वीडियो शेयर करें। और दुआओं में याद रखिए, सब अपना ध्यान रखिए। चलिए फिर आप लोगों से दुआ की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।